हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज थोड़ा सा देरी से उठे हैं, आराम से बैठे हैं, साल ओढ़ लिए, कान का दर्द रात को दवाई डालने के बाद भाई फिर बढ़ गया। मेरे साथ एक और पंचायती है यार, एक चीज ठीक होती नहीं दूसरी चीज पंचायती फैला देती है, एक चीज ठीक होती नहीं दूसरी चीज फैल जाती है। तो कान में थोड़ा सा दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। हम बैठ चुके हैं आराम से, मम्मी जी को देखो बढ़िया एक गिलास चाय पी रही हैं। गुड मॉर्निंग। और हमारी चाय का मम्मी जो है ना भाई, हमारी चाय भी मिल गई है। हम तो यहाँ साल उड़ के बैठे ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया। बाहर बहुत सनसन हवा चल रही है तो भाई हमें मिल गई गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह बिस्तर पर, तो अपन चाय का आनंद ले लेते हैं। खांटी दूध की बिल्कुल खाकी चाय, कड़क अदरक वाली, मस्त। तो मैं पूरी चाय नटाता हूँ फिर दूसरे काम में लगता हूँ। भाई सुबह सुबह भुज रहा है कुर्रम कुर्रम चूड़ा, ये देखो लाल मिर्चा से तड़का डालकर, जो आलू पोहे वाला चूड़ा होता है ना वही है ये। इसको चाय के साथ खाओ बहुत शानदार लगता है, ऐसे भी खाओ बहुत शानदार लगता है। तो भाई कढ़ाइया भर के भुज रहा है, बहुत मस्त। आज भाई साहब सुबह जल्दी चले गए, मैं थोड़ा सा लेट उठा ना तो वो पहले ही निकल गए, उनको कुछ काम था तो शाम तक आएंगे या रात तक आएंगे, देखो कब तक बजे आते हैं कुछ निश्चित नहीं है। तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना घर में काम करेंगे। चूड़ा भुज रहा है भाई बहुत शानदार, खुशबू पूरे कमरे भर रही है। तो मैं पंखा चालू करता हूँ, नहीं तो क्या ढसका लग रहा है मिर्ची का ना तो भर जाएगा, तो पंखा चालू करके तो ढसका बाहर चले जाएगा, पूरा मिर्ची का तीखा तीखा हो रहा है पूरा कमरा। नहा धोकर हो गए फुर्सत, और कान जो है ना भाई वो भंडारा है, वो भंडारा की बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा कि काम क्या करें, बहुत ज्यादा दर्द है। भैया भी घर में नहीं है, और जो पास में मेरे मित्र की दुकान थी ना वो भी आज बंद है, उसके आगे वाली दुकान वो भी आज बंद है, तो दवाई भी नहीं आ पाएगी। देखते हैं शाम तक तो भैया आएंगे तो बुलवाते हैं। बिल्कुल आग जैसा गर्म हो गया है, तप रहा है बिल्कुल, अंदर से दर्द बहुत भंडारा है, तो कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही। मम्मी बोले खाना खा लो, खाना खाने तक इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मम्मी खाना निकाल रहे बोल रहे कि खा लो पेट में तो राहत रहे, कम से कम कान भन्ना दो भन्ना दो पेट क्यों भन्ना रहे हो। तो वही भाई खाना गर्म होता है, खाते क्या हो अभी खाने में? दाल चावल है, आलू की भुजिया बना दी है। अच्छा भुजिया, भुजिया भाई भुजिया, आलू की भुजिया बनी है। अरे भैया नींबू का बिल्कुल नहीं, अरे नहीं 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 भैया, इन लोग खा रहे नींबू का अचार बहुत तेज, उस दिन की खटास बहुत खराब हो गई स्थिति, बहुत खट्टा नींबू है। अरे कौन इतना खट्टे नींबू का अचार खाता भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा, आम आम का आएगा नया वाला तो खाएंगे, ये नींबू बहुत डेंजर है। मिल गया भाई गर्मा गर्म खाना एक साथ मिक्स करवा लिया, भुंजिया के तो देखो दर्शन देखो, क्या क्रंची क्रंची लग रही, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको फटाफट खा लेते हैं। भाई मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, रात को तो हुआ नहीं काम, और सुबह से कान भरना आ रहा है, अभी भी भरना आ रहा है, पर क्या करेंगे ब्लॉग को एडिट करना पड़ेगा ना। तो देखो एक कान में मेरी लीड लग गई है, ठीक है बहुत आराम से लग गई है, और दूसरे में छूने में द्रोना आ रहा है, तो इसको धीरे से ना ऐसे हल्का सा ये देखो ये टिका दिया हूं। अभी कैसा टिका कैसी आवाज सुनाई देगा मुझे भी नहीं पता है, देखो बिल्कुल हल्का सा कैसे करके लगाया, क्योंकि एक कान में एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता, आवाज साफ नहीं आती, एक तरफ आवाज आती पर दोनों तरफ आवाज लाने के लिए इसको धीरे से अपन ने इसको टिका दिया है कैसे भी, कि हल्की हल्की भी आवाज आएगी तो समझ में आ जाएगा कि आवाज कैसी आ रही है। भाई ऐसे एडिटिंग करनी पड़ रही है कान के ऊपर टिका के। हो गई है शाम, तो अब सोच रहे चाय बना ले, तो हमने आज खुद ही चाय बना रही है, देखो चाय खोल रही है बिल्कुल खटर 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 खटर, धीरे कर दी क्योंकि टंकी के ऊपर आ जा रही थी, और हमारा अच्छा वाला टंका टूट गया है, तो हमें इसमें चाय बनानी पड़ रही स्टील के पुराने टंके में, इसको कागज से पकड़ना पड़ता भाई, तब इसमें गर्म बसता है, नहीं तो ऐसा हाथ छिक जाता कि दो तीन दिन तक ना चिका रहता समझो, इतना खतरनाक डंका है ये। तो चलो चाय खोल रही, थोड़ी सी खोल जाए और अच्छे से और जाए, उसके बाद डालेंगे सब बढ़िया दूध, उसके बाद फिर सबको देंगे। वही हमारी चाय अभी कम से कम 5-1 मिनट और खोलेगी, हम उसको अच्छे स्ट्रांग बना रहे कि चाय पीने के बाद ना बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाए, तूफानी रफ्तार से शरीर चलने लगे। तो चाय हमारी 5 मिनट बाद बनेगी। भाई बन गई गर्मा गर्म चाय, ये देखो भाप निकल रही, बिल्कुल छान के अब भी लाया हूँ, मम्मी जी को दे दिया हूँ चाय पीने को, और पापा जी पीना भी शुरू कर दिए हैं। कैसी बनी अभी चाय? अभी तो गर्म है मुंह बनी गई। अच्छी बनी भाई, कड़क बिल्कुल, फिर से पी के बताते हैं रुको, हम ज्यादा गर्म नहीं पीते। बहुत बढ़िया भाई, खुद की मेहनत तो बढ़िया ही रहती है, एक नंबर की। 15 मिनट लगते हैं भाई चाय बनाने में, धीरे धीरे उसको खोलाना पड़ता है, बताता ना बह जाती ऊपर से, छोटा डंका है अब नया डंका लाना पड़ेगा। भाई डिनर का टाइम हो गया है, थाली मुझे मिल गई है, आज बनी है पूड़ी, बेबी रिंग
पूरी और ये है आलू की रस्से वाली सब्जी भाई। मम्मी बोले बहुत शानदार लग रही स्वाद में और दिख भी बहुत अच्छी रही है। एक बार और देखो क्या बढ़िया दिख रही है। चलो फटाफट खा लेते हैं। आ रहा भैया, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, अरे आ रहा भैया आ रहा। ये देखो ये कंटिन्यू हॉर्न बजाते हैं भाई साहब। बाहर बाहर दवाई ले आए क्या? हाँ, दवाई साथ में ले आया। अरे भैया मर गए दिन भर आज तो। भाई दिन भर दवाई के लिए परेशान हुए, यहाँ की दवाई की दुकान बंद थी मित्रों की। भाई साहब आए हैं आधी रात में, सोचो अब दवाई मिली है हमको। ये देखो इतनी दवाई है और ये कान में डालने वाला ड्रॉप है। ये बोल रहे हैं कि हमने बता के लिया है, आराम हो जाएगा, इसमें दो दो बूंद डालो दिन में 4 बार और टेबलेट है सुबह शाम, 2 दिन की दवाई। यही होता भाई, आज रात में कल सुबह और कल शाम को खाओ, आराम लगता है तो कंटिन्यू इसको करेंगे। चलो अब दवाई डलवाते हैं, मम्मी से बोलते हैं दो दो बूंद डाल दें इसमें और फिर रुआ लगा के रख लेंगे तो दवाई अंदर असर करती दवाई डाल के 10 मिनट तक ऐसे कर जाएंगे। 10 मिनट तक शांति से रखना, असर कर जाएगी, उसके बाद से सीधा कर लेना। चलो एक्सरसाइज होगी, बाहर आ जाएगी। मम्मी से बोलते हैं कि डाल दे, मम्मी ने कल अच्छे से दवाई डाली तो अंदर तक चले गई थी। मम्मी बैठी है, मम्मी से हम डलवाएंगे दवाई। भाई भाई साहब ने बहुत ज्यादा भर देते, नहीं तो डालते तो बहुत अजीब टाइप का लगता है, इसलिए मम्मी से दवाई डलवाए। मम्मी आ जाओ दवाई डाल दो। मम्मी डालो दवाई, एक बूंद गई, हाँ नहीं जा रही अंदर अभी। 2 बूंद डालना हुई बस, वो तो मुंह चढ़ाने से दवाई अंदर आती है। जा रही है? नहीं जा रही है। जाएगी भाई, जाएगी वो सूजन की वजह से आप फिर भर गया लगता कान तुम्हारा। हे गाइस, व्लॉग की करते हैं एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।